सो गाइस, अगर तुम में से कुछ लोग जो हैं वो ढूंढ रहे थे अंडर द बजट ऑफ 10,000 रुपीस टॉप कैबिनेट्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे टॉप 5 कैबिनेट्स अंडर द बजट ऑफ 10,000 रुपीस जो भी होने वाले हैं यार प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से एकदम कमाल के। और साथ साथ बात करूँ एस्थेटिक्स की तो वहां पे भी इन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं। और साथ ही साथ भाई अगर इन कैबिनेट्स को देख के आपका दिल ना बोले जोक्स अपार्ट, लेकिन बात करते हैं यार अपने साथ ही इन सभी कैबिनेट्स के बारे में। शुरू करते हैं शूटिंग आफ्टर स्मॉल इंट्रो। सो गाइस, हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यार यहाँ पे मैंने जो कैबिनेट्स है वो हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, टॉप फाइव कैबिनेट्स की सबसे नीचे वाली लिस्ट पे जो कि है फिफ्थ नंबर पर। तो फिफ्थ नंबर पे मैंने लिखा है हमारा थर्मलटी की तरफ से आने वाला H200TG स्नो व्हाइट, मतलब बिल्कुल व्हाइट कलर का कैबिनेट है यार। मतलब मैं क्या ही बोलूं, इसमें जो आप यहाँ पे देख सकते हो एमटी कंप्यूटर्स में जो इमेज दिख रही है वो थोड़ी सी क्रीमिश व्हाइट कलर दिख रहा है, लेकिन ये बहुत प्योर व्हाइट कलर है। और मैं अगर इसकी बात करूं यार, ये जो सामने की तरफ आपको एक प्यारी सी RGB स्ट्रिप देखने को मिलती है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो विद एनी मदरबोर्ड। अगर आपके पास एक RGB हेड वाला मदरबोर्ड है तो उसके थ्रू भी आपको इसको कंट्रोल कर सकते हो, और वरना तो आपको यहाँ पे जो इसका फ्रंट IO पोर्ट है उसमें भी आपको एक पोर्ट देखने को मिल जाता है। और सामने की तरफ आपको एक नॉर्मल से वही रीसेट बटन एंड पावर ऑन ऑफ बटन, दो USB पोर्ट्स एंड कुछ ऑडियो पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ बात करूँ इसके साइड पैनल की, तो वो एक एक्रेलिक पैनल है, किसी भी टाइप का टेम्पर्ड ग्लास नहीं है यहाँ पे। किसी भी जितने भी मैंने कैबिनेट चूज किया उसमें किसी में भी एक्रेलिक पैनल नहीं है, सब में टेम्पर्ड ग्लास है। तो ये बहुत प्यारा ग्लास है और ये स्लाइडिंग ग्लास है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो हिंजेस भी हैं तो इसके ये खुल जाता है और बहुत प्यारा लुक प्रोवाइड करता है। लेकिन यार इस प्राइस पॉइंट पे, जिस प्राइस पॉइंट पे आता है अराउंड 6300 रुपीस, मैं अगर इसमें कुछ कॉन निकालना चाहूँ तो बस वो यही है कि यार यहाँ पे जो आपको फैन देखने को मिलता है वो अगर व्हाइट कलर का होता या फिर जो आपको यहाँ पे एक्रेलिक का जो टेम्पर ग्लास, एक्रेलिक बोल रहा हूँ, टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है वो भी अगर व्हाइट कलर का होता तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता। और यार देखो यहाँ पे बहुत सारी प्रेफरेंसेस भी हैं लोगों को, ये जो कटआउट है यहाँ पे आपके श्राउड का बहुत लोगों को पसंद आता, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता, इट डिपेंड्स ऑन एवरीबडीज प्रेफरेंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सपोर्ट की, तो यहाँ पे आपको टॉप साइड पे टू मतलब 240mm का एक रेडिएटर लगा सकते हो और फ्रंट साइड पे 360mm का एक रेडिएटर लगा सकते हो और आराम से अराउंड 6-7 फैंस ये सपोर्ट कर जाएगा, जो तो कि बहुत ही प्यारी बात है। और वही सारी बात फ्रंट की साइड से देखे तो बहुत ही प्यारा एंड एलिगेंट लुक प्रोवाइड करता है और क्लीन लुक जिसे बोलते हैं वो ये प्रोवाइड करके देता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं यार जिनको ये मतलब ऐसा ये जो पैनल से पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो इससे भी मुझे एलिगेंट लुक मिले और इससे भी प्यारा लुक मिले और क्वालिटी और मजेदार मिले, तो हम आते हैं हमारे फोर्थ कैबिनेट की तरफ जो कि आता है NZXT 510। तो ये आता है अराउंड 6800 रुपीज के आसपास, जो कि बहुत प्यारा कैबिनेट है। यहाँ पे मैंने ब्लैक अवेलेबल था, मैंने यही दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पे इसके दो वेरिएंट्स आते हैं जो कि है एक ब्लैक एंड रेड, एक आता है वाइट, वो जो कि बहुत प्यारा है, मतलब इससे भी प्यारा लुक देता है वो आपको, बट उसमें कोई RGB 4GB नहीं मिलती। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें यार एक क्लीन लुक प्रोवाइड करना चाहिए होता है, उन्हें कोई RGB 4GB नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक वाइट थीम से मतलब है, तो यार अगर आप वो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इन सभी कैबिनेट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अमेजोन से बाय करना चाहते हो तो अमेजोन पे भी मिल जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर चेक आउट द प्राइस, अगर सही है तो आप अमेजोन से भी बाय कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं इस कैबिनेट के कुछ सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको दो फैंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको एक टॉप साइड पे मिलता है और एक रियर साइड पे मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप कौन कौन से रेडिएटर्स लगा सकते हो, तो यहाँ पे आप रियर साइड पे एक 120mm का रेडिएटर लगा सकते हो, और फ्रंट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आप अराउंड 240mm तक का रेडिएटर लगा सकते हो। 360 मैं कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि मैंने कैबिनेट अपने हाथ में इतना यूज़ नहीं किया, और ये जो मतलब बोर्ड है, मतलब जो आपको कैबिनेट है, ये आपको ATX जो बोर्ड्स हैं उनको तक सपोर्ट करेगा। और यार जिस प्राइस पॉइंट पे आता है आई थिंक NZXT क्वालिटी की जो बात है वो NZXT जाना ही क्वालिटी के लिए जाता है, और उनकी जो क्लीन एंड कीप क्वाइट लुक है वो बहुत प्यारा होता है। अब बढ़ते हैं हमारे जो कि थर्ड नंबर पे आता है इस लिस्ट में, जो कि है थर्मलटी की तरफ से आने वाला Level 20 MT। बहुत ही प्यारा कैबिनेट है यार, मतलब इसके जो फैंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ये जो आपको तीन फैंस प्री इंस्टॉल देखने को मिलते हैं थर्मलटी की तरफ से, जो कि ARGB फैंस है, बैक साइड पे एक फैन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बहुत ज़्यादा प्यारा लुक प्रोवाइड करता है। मतलब मैं इसको क्या ही बोलूँ यार, ये कैबिनेट वन ऑफ माई फेवरेट कैबिनेट है, क्योंकि इसमें जो फ्रंट पैनल है वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है, और खासकर कि इसके जो ARGB फैंस है वो बहुत काफ़ी अच्छे ब्राइट हैं, उसमें उनकी जो RGB है उसमें मुझे कोई भी किसी भी टाइप की कमी नहीं लगी।
और रूम की बात करूँ तो रूम इसके अंदर कैबिनेट के अंदर बहुत प्यारा रूम है एज़ कम्पेयर टू दी लाइक N60 जो मैंने हमने देखा उससे तो काफ़ी अच्छा रूम है। और ये भी आपको माइक्रोटिक्स मदरबोर्ड सपोर्ट करता है, इसमें आप फ्रंट साइड पे 360mm का रेडिएटर लगा सकते हो और टॉप साइड पे 240mm का रेडिएटर लगा सकते हो। तो वह यहाँ पे भी आपको एक कटआउट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको नीचे यहाँ पे छोटे छोटे पैड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि पैड्स नहीं बोलूंगा यार, एक प्रॉपर आपका स्टैंड ऑफ्स हैं जो कि बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड करते हैं। और थर्मल टेक कंपनी यार बहुत ही प्यारा काम किया है इस पे। अब आते हैं भाई जिन्हें ली एन ली का बहुत शौक है लेकिन ली एन ली जितने पैसे खर्च नहीं करने, तो भाई उसी का एक यहाँ पे कॉपी वाले बंदे आते हैं जो कि है एनटेक। कॉपी नहीं बोलूंगा यहाँ पे, पूरा कॉपी नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस कैबिनेट में मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं। और इसका रिव्यू हमारे भाई अभिषेक भाई उन्होंने भी किया है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो इसका रिव्यू भी जाकर देख सकते हो। ये अराउंड आपको मार्केट में देखने को मिलता है 9,500 के आसपास जो कि बहुत ही प्यारा कैबिनेट है यार आई थिंक। लेकिन मैंने बहुत सी शिकायतें सुनी है इसके बारे में कि इसकी जो थोड़ी बिल्ड क्वालिटी है वो वीक है। देखो मैंने मतलब जो इसके प्लास्टिक्स हैं वो इतने खास नहीं है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट फिर भी अगर लुक वाइज मैं बात करूं तो ये बहुत ही प्यारा कैबिनेट है। और जितना बार मैंने इस पर हैंड्स ऑन किया है मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार ये कोई चीप तुम्हें फील करवाता है और इसकी प्लास्टिक में ऐसा कोई दिक्कत है ऐसा कभी मुझे लगा नहीं। तो और ये यहाँ पे एक जो बड़ी चीज़ मुझे लगी, जो अच्छी चीज़ लगी, अगर आपके रेडिएटर्स में RGB फैंस हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो जो नॉर्मल कैबिनेट्स होते हैं उसमें आपका जो रेडिएटर होता है वो छुप जाता है, तो यहाँ पे वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रेडिएटर माउंट होता है, तो यहाँ पे आप 360mm का एक रेडिएटर माउंट कर सकते हो, नीचे की तरफ आप एक और 360mm का रेडिएटर माउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपेंशन मान लो या फिर कूलिंग सिस्टम के लिए तो बहुत प्यारी कर सकते हो, उसमें किसी भी टाइप की कमी नहीं देखने को मिलेगी। और जिस प्राइस पॉइंट पर यार ये आ रहा है तो आई थिंक इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि जो लुक प्रोवाइड कर रहा है जिस डिज़ाइन में बनाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सो लव दिस कैबिनेट। लेकिन अब बात करता हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 10,000 के बजट में रहते हुए भी बहुत ही एलिगेंट लुक का कैबिनेट चाहिए, और मतलब उन्हें क्वालिटी मज़ेदार चाहिए लेकिन एलिगेंट लुक चाहिए, एक बहुत ही एलिगेंट लुक। तो वहाँ पे आता है हमारे डीम कूल की तरफ से गेम स्ट्रॉम मैक क्यूब बोलो या फिर माक्यूब बोलते हैं बहुत से लोग 550, ये बहुत ही प्यारा कैबिनेट है। और इसमें जो एलिगेंट लुक बोल रहा हूँ मतलब इतना प्यारा लुक यार। और इसमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है वो बहुत प्यारी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेंट्स देख रहे हो ये भाई डिज़ाइन नहीं है, ये प्रॉपर वेंट्स हैं एयर के लिए जो कि यार। और देखो डिज़ाइन तो मतलब कितना प्यारा लग रहा है अगर इसके बाद भी, लेकिन ये प्रॉपर वेंट्स जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये देखो प्रॉपर वेंट्स दिए गए हैं जो कि इसके एयर फ्लो को और बेहतरीन बनाते हैं। और रही बात ये इसलिए दिया गया है क्योंकि फ्रंट साइड पे यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का वेंट्स नहीं देखने को मिलते, तो बैक साइड से ही लेगा या और रेडिएटर भी बिल्कुल इसी पे लगेगा, यहीं पे आपका 360mm का रेडिएटर लग जाएगा और इसी से ही वो हवा खींचेगा। तो यार यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ लगी मुझे ये, और एक इसलिए मुझे अच्छी लगी क्योंकि यार जो लोग एलिगेंट लुक चाहते हैं तो सामने की तरफ आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पे जिसका जो टेम्पर ग्लास है इसकी क्वालिटी तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, मतलब पत्थर मान लो भाई, बहुत ही प्यारी क्वालिटी और मैग्नेटिक है तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम देखने की नहीं मिलने वाली। लेकिन ये इसका जो प्राइस है वो बहुत 9,300 के आसपास आपको ऐसा कैबिनेट देखने को मिल रहा है इतनी प्यारी क्वालिटी के साथ, बहुत ही अमेजिंग। और ये कैबिनेट देखो अच्छी चीज़ मैं बहुत पहले से कहता हूँ, अच्छी चीज़ जो भी होती है वो या तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी या फिर वो ऐसा होगा कि महंगी हो जाएंगी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती है। लेकिन ये बहुत ही प्यारा कैबिनेट है यार, अगर आप एक एलिगेंट लुक ढूंढ रहे हो है ना, तो ये कैबिनेट आपके लिए द बेस्ट है। ये थी कुछ कैबिनेट्स की हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, और अगर आपको इसमें से कोई भी कैबिनेट बाय करना हो तो इस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके बाय कर सकते हो। लेकिन यार इस वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेक श्योर यू चेक आउट द कंटेंट, बिकॉज हम ऐसे ही ऑसम पीस रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 वीडियो, तो मेक श्योर यू वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ माय और चेकआउट करो यार प्लीज कंटेंट को, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपको ऐसी ही ऑसम वीडियो में, टिल देन बाय बाय। Close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left.